अगर आप आइस को मेल्ट करोगे 25 से 26, 27, 28, 29 आपको चेंज नहीं दिखेगा, आइस मेल्ट नहीं होगा। 30 तक किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं होगा, लेकिन जैसे ही एक डिग्री और टेम्परेचर बढ़ेगा 31, वैसे ही आइस मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। तो आपको क्या लगता है, 25 से 31 जाने का कोई शॉर्टकट है? नहीं। अगर आइस को मेल्ट होना है तो 25 से 30 तक उसे आना पड़ेगा, एंड देन उसके बाद ही वो मेल्ट होना स्टार्ट होगी। सेम हमारी आदतों के साथ भी होता है। अगर हम कोई नई आदत डालने की कोशिश करते हैं तो हमें उसका एक दिन में रिजल्ट नहीं मिलता, हो सकता है एक महीने में भी रिजल्ट ना मिले, 3 महीने में भी रिजल्ट ना मिले, बट वो मेहनत हमारी वेस्ट नहीं होती है, वो हमारे माइंड में, हमारे ब्रेन में, हमारी बॉडी में कलेक्ट होती जाती है, एंड एक दिन हमें उसका रिजल्ट दिखता है, जिसे समटाइम्स हम लोग ओवरनाइट सक्सेस भी बोल देते हैं, बट ओवरनाइट सक्सेस जैसा कोई भी वर्ड नहीं होता है। तो ओवरनाइट सक्सेस के बारे में ना सोच के बल्कि सही तरीके से हैबिट बिल्ड करने के लिए सोचना है। एंड सही तरीका क्या है, आप हर दिन 100% इम्प्रूवमेंट का नहीं सोचो, आप सिर्फ 1% इम्प्रूव करने का सोचो। क्या आप हर दिन 1% इम्प्रूव कर सकते हो? एंड उसका रिजल्ट ये हुआ कि जैसे ही एक साल खत्म होगा आप 37 टाइम्स आप बेटर होंगे उस चीज़ में, जिस भी फील्ड में आप इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो। तो इस तरह से बिल्ड की हुई आदत आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। मैं सिर्फ अच्छी आदतों के बारे में बात कर रही हूँ, वो हमेशा आपके साथ रहेगी। तो इस टिप को आपको यूज़ करना है, सिर्फ 1% इम्प्रूवमेंट एवरी डे। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।